इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस तरीके से बहुत अच्छा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, पर छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको जो 40 out of 40, 100 out of 100 जो मिल सकता है वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा। ये पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया हमारे एक स्टूडेंट ने, बट थोड़ी थोड़ी सी कमियां रह गई है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बाय द वे, माय नेम इज शुभम झा, एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। आज ही मैंने एक वीडियो बना के डाला है टाइम टेबल फॉर नेक्स्ट 10 days। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक तो प्लीज जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक रहेगा। डिस्क्रिप्शन से और बातें बतानी प्लस सुन लो, ठीक है, और उस पर लाइक कर देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को किया कर दो कि फिर ये और लोगों तक वीडियो पहुंचे। लाइक से पैसे नहीं मिलते बट वीडियो और लोगों तक पहुंचता है। अच्छा, अब अगर मैं इस पेपर की बात करूं, और मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन से भी मुझे कुछ आपको बताना है, तो पहले डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक्स मिलने वाले हैं और बहुत सारी फ्री की चीजें वहां पे डाली गई है जो आपकी स्टडी में बहुत हेल्पफुल रहेगा, और सारी चीजें प्रीमियम है। ध्यान से सुनो क्या क्या डाला हुआ है, उसके बाद इस पेपर पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो एक इस तरीके का ना ये डाला हुआ हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जिसका नाम इजी लर्निंग है, इस तरीके का एक डेली शेड्यूल का वो डाला गया है। आप आज जो टाइम टेबल वाला ये वीडियो देखोगे जिसका थंबनेल आपको पीछे दिख रहा है तो आपको समझ आ जाएगा इसको कैसे यूटिलाइज करना। दूसरा, आप लोगों के लिए नीलिमा मैम ने सोशल स्टडी फॉर इंग्लिश मीडियम के लिए पूरा का पूरा इस तरीके से चैप्टर वाइज PYQ का ये बनाया है, ये भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। कैसे फ्री मटेरियल डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन से, उसका भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाला हुआ है, अच्छे से डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को देख लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के लिए डाला हुआ है, ये एक चीज हो गई। और ये तुम्हारा वैसे टाइम टेबल है, अगर आपको टाइम टेबल देखने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो आप ये टाइम टेबल देख सकते हो, ये आपका टाइम टेबल है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। और जो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया जिसका थंबनेल मेरे पीछे है, इस वाले वीडियो में बहुत डिटेल में बताया कि इस टाइम टेबल के हिसाब से अभी 10 दिन कैसे पढ़ना और एग्जाम के ड्यूरेशन में कैसे पढ़ना, स्पेशली ये जो सब्जेक्ट रेड कलर से मार्क्ड है उसके बारे में बताया। अब वीडियो को लाइक कर देना और वो सारी चीजें एक्सप्लोर कर लेना। एक लास्ट चीज, हमने हमारे चैनल के ऊपर 100K सब्सक्राइबर पूरे कर लिए, मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए। उसकी खुशी में एक टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है जो हमारे एप्लीकेशन पे 1 रुपए का मिल रहा है, और अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे मैं फ्री कर नहीं सकता, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए वेबसाइट पे फ्री में कर दिया और एप्लीकेशन पे 1 रुपए का। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ऐप में सब भी सारी चीजें, ज्यादातर चीजें ऐप में, तो ऐप का लिंक। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, अब बात करते हैं इसके बारे में, ये पेपर के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग में क्यों बताई, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें फ्री है। किसी भी चीज का मैंने आपको बोला कि आपको मुझे पैसे देने हैं, नहीं, बट ये आपके स्टडी में बहुत काम आएगा और बच्चे अक्सर वो चीजें मांगते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक्स को ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखो, ये जो पेपर है इसका क्वेश्चन पेपर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता ही है क्वेश्चन नंबर 1A क्या होता है, MCQ। देखो बच्चे ने कितने अच्छे से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, यहाँ पे A लिखा है, और फिर बराबर 1A डायरेक्ट आंसर, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है, दैट्स द राइट वे। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। आप अगर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को देखोगे तो उसके ऊपर ही ऐसा मेंशन रहता है। मैं आपको दिखाऊं, चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूं। तो एग्जांपल के लिए हम कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर ले लेते हैं, क्वेश्चन पेपर ले, ठीक है। क्वेश्चन पेपर खोल लिया मैंने, ये ले लेते हैं मैं साइंस 2 का क्वेश्चन पेपर, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये इंस्ट्रक्शन बोर्ड की तरफ से लिखा हुआ होता है ये वाला, फॉर एवरी MCQ क्वेश्चन करेक्ट ऑल्टरनेटिव ABCD और D विद द सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटन एज द आंसर। मतलब पहला सब क्वेश्चन नंबर उसका ए सही आंसर है। इनफैक्ट इस बच्चे ने एक स्टेप आगे जाकर के जो ये डीकम्पोजिशन लिखा है, बोर्ड कहती है कि ये लिखने की भी जरूरत नहीं, बट अगर आप ये लिख देते हो तो आप बहुत सेफ हो, ठीक है। तो ये भी इनफैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डीकम्पोजिशन इतना ही, 1 का A लिखना इज मोर देन इनफ। हम अभी ये नहीं देखते हैं कि पेपर में सही क्या है गलत क्या है, हम मान के चलते हैं कि ये जो इस बच्चे ने लिखा है ये सही लिखा है और हम इसको मार्क्स देते चले जाएंगे, ठीक है। सही लिखा है, 5 MCQ लिखा है, हम इसको 5 नंबर दे देंगे, वैसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं सही है, ओके। अच्छा, जब आप पेपर लिखते हो तो ये वाले स्पेस को प्लीज ऐसे ब्लैंक रहने देना, ये वाले स्पेस को, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स मार्क्स लिखते हैं, ये बात याद रखना, यहाँ से ऐसे लिखना शुरू मत करना। साथ ही साथ इस जगह ऐसे मार्जिन मारना क्योंकि आपका पेपर बंधता है, और अगर आपको ऐसे डिवीजन करना होगा तो देखो इस बच्चे ने कितने प्यारे तरीके से ऐसे डिवीजन किया है, अब इस पेपर के प्रेजेंटेशन को देखो कितना प्यारा है, ओके। आई होप कि ये वाली बातें क्लियर हो गई, अब हम आ जाते हैं, ये क्वेश्चंस भी बच्चे ने सही लिखा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है बच्चे के इसमें, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो जो आंसर है, इस तरीके से हमारे इस बालक ने इसको इस तरीके से मार्क कर दिया, आप भी इस तरीके से मार्क कर सकते, ठीक है।
अच्छा, आपके मन में शायद ये भी सवाल आ रहा होगा ना कि सर आप ये पेपर कैसे चेक कर रहे हो। हमारे जो बैचेस होते हैं, आरंभ बैच, विक्ट्री बैच, या जो टेस्ट सीरीज होती है, उसमें जितने भी बच्चे होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द बच्चे पेपर लिखते हैं और मुझे शेयर करते हैं, और मैं बहुत खुशी से वो पेपर्स को चेक करता हूँ। इनफैक्ट बैचेस जो होते हैं हमारे, उसमें तो हमने कितने सारे सब्जेक्टिव टेस्ट लिए, बच्चे ऐसे पीडीएफ भेजते हैं, मैं चेक करके देता हूँ। तो अगर आप किसी 9th स्टैंडर्ड के बच्चे को जानते हो जो 10th में जाने वाला है, तो आप डेफिनेटली उसको हमारा बैच सजेस्ट करना, बहुत वैल्यू फॉर मनी, ट्रस्ट मी ओवर दिस। ओके, चलिए सजेशन की बात कर रहा हूँ, वैसे आप प्लीज सजेस्ट करना, उससे फायदा होता है हमारा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। आप थोड़ा पहले हिसाब लगा लो कि जरूरत से आगे जाएगा, या फिर यहाँ पे वाई लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं, छोटी सी बात है, मैंने बोल दिया बस। तो ये बहुत प्यारा इसमें लिखा है, और 5 के 5, तो इसको यहाँ पे भी पूरे सब सही है, तो 5 नंबर। अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल सब सही है। ओके, रीली की स्पेलिंग क्या लग रहा है आपको, सही है कि गलत है, आप मुझे कमेंट में बताना। अच्छा, कुछ गलती से अगर मेरी नज़र से छूट रहा है, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, सारी बातें दिमाग में रख रहा हूँ, तो आप प्लीज नीचे कमेंट में डाल देना कि सर वो वाली बात आपसे छूट गई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बोलूंगा कि ये बच्चे ने अगर थोड़ा स्केल का यूज करके ये मारा होता तो और ज्यादा बेटर होता, बट टाइम भी जाता है, हमें 2 घंटे में पेपर भी कंप्लीट करना है, ये भी देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। तो ठीक है, ऐसे भी लाइन मार दिया तो इट्स फाइन, बट अगर आपके पास टाइम हो तो आप हल्का सा स्केल लेकर के कर लेना। और स्केल से मैं आपको एक स्केल के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको रोलर स्केल बोलते हैं, और वो रोलर स्केल कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, ये मैं आउट ऑफ सजेशन। अब इसमें क्या होता है ना, पैरेलल लाइन बनाना बहुत आसान है, आप ऐसे रखोगे, घसकाया लाइन मारा, घसकाया लाइन मारा, घसकाया लाइन मारा, समझ में आया। अगर मैं आपको इसका अमेजोन वगैरह का लिंक दिखाऊं तो अमेजोन पे इससे बड़ा वाला जो है वो आपको ऑलमोस्ट कितने में मिल रहा है, 80 रुपये में मिल रहा है। आपके आसपास ऑफलाइन स्टोर में भी अवेलेबल रहेगा, बट आप ऑनलाइन चाहिए तो ऑर्डर कर देना, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर मुझे याद रहा तो। बट ये ऐसा होता है, कोशिश करना कि 15 सेंटीमीटर वाला ही लो, कि छोटा रहेगा तो ज्यादा अच्छा होता है, बड़ा वाला गिरते ही टूट जाता है इसके लिए। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, बट दिस स्केल इज वेरी हेल्पफुल, अभी आज तक मैं इस स्केल का इस्तेमाल करता हूँ, तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल स्केल। चलिए, लाइन पैरेलल लाइन बनानी, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया, बट ये लाइन इसको हाईलाइट कर देना इज वेरी गुड वे टू रिप्रेजेंट द पेपर। एंड मोस्टली मैंने इस बच्चे को एक और सजेशन दिया था कि जैसे अगर आप देखोगे तो सम पीपल इन द ओल्ड एज सफर फ्रॉम मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया, बिल्कुल सही है। मैं सजेशन बताता हूँ क्या था, मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव लेंस एंड हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इन दिस कंडीशन बायोफोकल लेंस स्पेक्टिकल्स आर यूज टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, बात तो सारी सही है, am I right? अब यहां तक आंसर सही है जो क्वेश्चन था, बट तुम देखोगे तो इस बच्चे ने क्या किया है, 1, 2, 3 ऐसे पॉइंट्स लिखा है। मैंने इस बच्चे को सजेस्ट किया कि रादर देन राइटिंग 1, 2, 3 यहां पे प्लीज यूज ए बी सी, दैट्स द गुड वे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहां पे ना पॉइंट एक और बढ़ाया जा सकता था, इसी इतने से ही इसमें 4 पॉइंट दिखते। अच्छा, साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर में कैसा होता है, रोमन न्यूडल्स में 1 लिखा होता है, तो देखो इस बच्चे ने भी रोमन न्यूडल्स में लिखा है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये 1 वैसा लिखा हो तो आप भी ऐसे लिखना, बहुत छोटी सी बात है, बट ध्यान रखना। यहाँ पे इसको 2 मार्क्स हम दे देते हैं, मान लो मार्क्स अब मैं नहीं दूंगा, बट तुम समझ जाना। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा देखो, इसने अगेन एक सिंगल लाइन मार के इसको थोड़ा सा डिवाइड भी किया, तो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखो, आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग टाइम आफ्टर द मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल, अ चैलेंज वॉज पोस्ड इन द प्लेसिंग आइसोटोप्स ऑफ मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ आइसोटोप ऑफ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस, देयरफॉर दे आर नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर द आइसोटोप्स इन द मेंडेलियन पीरियोडिक। एब्सोल्युटली राइट आंसर, सही है ना, कुछ भी गलत नहीं दिखा, मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं निकाला यहाँ पे। ठीक है, अगला देखो, अब ये यहाँ पे इसने बी का आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, कैन यू सी दिस, यहाँ पे इसने 2 क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 2 ए के एंड बस, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी इसने स्टार्ट कर दिया। ओके, चलिए एक और, पहले पेज पे अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि था तो ए और बी उसने सेम जगह पे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम, बी में इसने ये लिखा है कि द अप्लायंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर और टोस्टर आर वर्क अंडर द फिनोमिनॉन, स्पेलिंग चेक कर लेना आप लोग, ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी इसने आंसर लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग CON, कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग गलत है, यू गेटिंग इट। देखो कैसे मैं एज अ टीचर मैंने कितने जल्दी निकाल लिया कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है स्पेलिंग, देखते हैं CONCENTRATIO, SCN लिख दिया CEN के जगह, छोटा सा मिस्टेक है, बट यहाँ पे हम आधा मार्क काट सकते हैं टीचर। ठीक है, मोस्टली नहीं भी कटता है। टेम्परेचर का भी स्पेलिंग मुझे गलत लग रहा है, TEMPERUTURE, ये भी स्पेलिंग TEM
PRE लिखा, देखो ठीक है, मैं भी श्योर नहीं था कि गलत है कि नहीं, तो मैंने अपने, क्योंकि मुझे तो आदत है लिखने की, तो मैंने लिख के देखा एंड इट्स अ रॉन्ग स्पेलिंग, छोटी सी बात है बट आइडेंटिफाई हो रहा है, समझ रहे हो। तो ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, क्रॉस चेक करना इसी को बोलते हैं, पेपर जब सब हो जाता है तो क्रॉस चेक करने का यही फायदा होता है कि आप ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स निकाल सकते। और अच्छा, इस बच्चे को मैंने एक और सजेशन दिया था, जैसे देखो इसने क्या किया है, एल्यूमिनियम लिखा तो ए भी ऐसा है और ये एल भी इतना ही, बट इनफैक्ट इट शुड बी लाइक दिस। ओके चलो, एल्यूमिनियम में तो इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन जिंक में देखो, जिंक इज जेड एन, दिस इज द राइट वे टू राइट जिंक, सही बात है, मार्क्स नहीं कटेगा इसका, बट अच्छा नहीं लग रहा ना, जेड भी छोटा एन भी छोटा, दिस इज नॉट द राइट वे ना टू राइट केमिकल फॉर्मूला, राइट जेड थोड़ा बड़ा और ये छोटा, मतलब कैपिटल स्मॉल, दैट इज द रूल टू बी फॉलोड। तो कायदे से ये बच्चे को इम्प्रूव करना चाहिए, बहुत बच्चे जल्दी जल्दी में इस बात का ध्यान नहीं रखते, बट मैं अपने हर बच्चे को छोटी छोटी बातें बताता हूँ, मेरा क्या मानना है, पत्थर से तुम छोटी पत्थर जो होती है वो तुम्हारे पैर में जाता, पहाड़ पूरा नहीं चल जाता, इंसान पत्थर से टकराता है, पहाड़ से नहीं टकरा जा रहा है। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि हम ना, हमारा एक टेस्ट सीरीज है ठीक है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसमें कई सारे टेस्ट फ्री है, आप चेक करके देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन करना, उस पर 90% ऑफ चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप पे ही मिलेगा। ओके अब यहाँ पे देखो, साइज ऑफ द रेट ऑफ डिपेंड्स ऑन द डाटा, ठीक है इफरवेंस की स्पेलिंग भी मुझे गलत लग रही है, ओके पीसीएस की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है, बाकी तो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, राइट, गिव मी अ सेकंड। ये तो हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किया यहाँ पे और छोटी छोटी सजेशंस जो थी मैंने दिया। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 2 का बी का यहाँ पे इसने अटेम्प्ट किया है कॉन्सेंट्रेशन, अब यहाँ पे देखो उसका ही कॉन्सेंट्रेशन का स्पेलिंग अब सही है, ये गलती से गलती हो जाती है, यहाँ पे देखो ना कॉन्सेंट्रेशन ही लिखा है बट सही स्पेलिंग, समझ रहे हो तुम, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट फास्टली। हाँ एक और चीज तुम देखो, अभी क्या हुआ, एज अ एग्जामिनर एज अ पेपर चेकर तुम देखो, मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग गलत देख ली, कितना नेचुरली आ रहा है, तो अब मैं जब भी इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन का स्पेलिंग देख रहा होता हूं, लाइक वेरी अवेयर कॉन्सेंट्रेशन में गलत तो नहीं दिखा, मैं इनफैक्ट यहां पे मैं बहुत ध्यान से देख रहा था कि कॉन्सेंट्रेशन इसने गलत तो नहीं लिखा, प्लीज थोड़ा ध्यान रखना ठीक है। तो ये भी हो गया। अच्छा एक अगेन देखो, यहां पे इस बच्चे ने HCl जो लिखा है और CaCO3 लिखा है, कैसे CaCO3 का लिखने का तरीका क्या होगा, CaCO3, बट इसने क्या है सब छोटा 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 दिख रहा है, HCl लिखने का सही तरीका क्या होगा, HCl, HCl में इतना पता नहीं चल रहा है बट CaCO3 सही लिखा, तो एक कॉमन सा मिस्टेक है बच्चे, केमिकल फॉर्मूला जो लिखती है, इट्स अ गर्ल जिसका पेपर है, वो ऐसी मिस्टेक्स करती है, तो उसको सलाह तो मिल गया ना, सी इज नॉट गोइंग टू डू दैट मिस्टेक, बट आपका पेपर ऐसे किसी ने इवेल्युएट किया, वेरी इंपॉर्टेंट, इवन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ठीक है। वैसे बैचेस में हम ऐसे पेपर चेक करते थे, टेस्ट सीरीज में आपको पेपर्स मिल जाएंगे ठीक है। अब देखो टेम्परेचर, ओके रेट केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस यूजिंग टेम्परेचर, ठीक है ओके फाइन दैट्स गुड। कैटलिस्ट द रेट ऑफ केमिकल, अब एक चीज और देखो, क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक निकाल लिया है तो मैं बहुत ध्यान से स्पेलिंग मिस्टेक के लिए देख रहा हूँ, MnO, देखो अब अगेन ये MnO2 नहीं दिख रहा है, MnO होगा ना शायद ये मैंगनीज ऑक्साइड, बट अगर MnO2 बच्चे ने लिखा है अगर लेट्स से, तो ये 2 दिख नहीं रहा है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो नीडेड टू बी केयर, अगेन देखो फॉर्मूला लिखने में बच्चा वही बार बार मिस्टेक करता है, ये सॉलिड यहाँ पे लिखा जाता है, वैसे ये एक्वा यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे मेरे को लिखा है कॉपर सल्फेट, मैं यहाँ पे ऐसे AQ लिखूंगा, ऐसे नीचे की तरफ, बट अगेन नंबर नहीं जाएगा ठीक है, मोस्टली नहीं जाएगा ठीक है। चलो तो अगेन मोशन ऑफ द कंडक्टर होगा, कंडक्टर की स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ की है बच्चे ने, काट के लिखना था, बट मोशन ऑन ये साथ में लिखा है, इसको अलग अलग लिखना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो नीडेड, पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड सही है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट सही है, फ्लेमिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फिगर इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक चलो। पाउडर और यहाँ पे बच्चे ने सेपरेशन की स्पेलिंग गलत किया, यू सी दिस, एक बार मैंने मिस्टेक निकाल लिया, मैं खाली स्पेलिंग मिस्टेक निकाल रहा हूँ देख रहे हो, बाकी तो ऑलमोस्ट सब सही, मैंने देखा नहीं शायद। अगेन देखो बच्चे ने अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड इट फ्रॉम अ न्यू पेज, देखेंगे तो yes, started from a new page and that's the right way, कि नया question start करते हो नए page से start, okay? चलो, एक और मेरा suggestion रहता है usually, just a suggestion, कि ऐसे जब आप ये लिखते हो तो you should use all capital letters, पूरा capital letter use करना चाहिए, तो बहुत सही है। और दूसरा जैसे आप देखो यहाँ पे एक छोटा सा मेरा suggestion है, that's a suggestion, कि ये जो इसने collector लिखा है ये इसने थोड़ा incline लिख दिया है,
आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन। समझ रहे मेरी बात? इट्स माय सजेशन, मेरा अपना ओपिनियन है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। गेटिंग इट? ऐसा कुछ नहीं कि नंबर कटेगा ही या नहीं कटेगा, वो सब मुझे नहीं पता, बट इट्स माय ओपिनियन, मेरा ये मानना है। चलो यहाँ पे हम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखते, इसको सही कर देते हैं प्रेजेंटेशन देख करके खाली। अगेन ये भी ठीक ही है, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो अगर इन्हें सही तरीके से लिखा है इस बच्चे ने, ये भी अप्रिशिएट करना चाहिए फिर, इन्हें सोडियम एल्यूमिनियम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूँ मोटर मॉस, ठीक है जस्ट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है माइक्रोस्कोप इमेज सेम साइज एक्स लाइक एन ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज, ठीक है पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है लार्ज एंड देन ठीक क्रिटिकल बिकम्स 90। आर को थोड़ा सही से लिखना चाहिए था, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ठीक है। अब जस्ट बहुत सारा टाइम ना लग जाए हमें पेपर चेक करने में, इसलिए मैंने गो थ्रू किया, मतलब जितना मुझे सजेशन देना था आप लोगों को इस पेपर को दिखा करके, मोर और लेस मैंने आपको सारे सजेशन दे दिए। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो ट्रस्ट मी मेरा टारगेट है इस वीडियो पे एटलीस्ट इस पे 1000 से ज़्यादा लाइक्स हो, तो अगर अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करो और इसको शेयर करो। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, इस सोच में मत रहना कि अगर मैं किसी को शेयर कर दूंगा तो उसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। सबको आप अगर किसी का भला करोगे तो अल्टीमेटली आपका भी भला होगा। मान के चलो आप अभी ये सोच रखते हो, गंदी सोच जो की है कि अगर मैं शेयर करूंगा दूसरा भी सीख जाएगा उसके मेरे से ज्यादा नंबर आ जाएंगे, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए जो आपको नहीं आता है, मजा आ जाएगा ना फिर? नहीं ना, तो अच्छे कर्म करो, शेयर करो भाई, डरा नहीं रहा हूं। एक बात बता रहा हूँ कि दूसरे भी गलती ना करें, मेरा पॉइंट ये है। इस वीडियो पे 1000 लाइक्स चाहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कई सारी चीजें आपके लिए डिस्क्रिप्शन में डाली गई हैं, हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो साइंस 1 के टॉप 5 चैप्टर कौन से होंगे, साइंस 2 के टॉप 5 चैप्टर कैसे कौन से होंगे, रिवीजन करने का सही तरीका क्या होता है, एग्जाम का टाइम टेबल आपके लिए अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसके अलावा मैंने साइंस के पूरे न्यूमेरिकल, साइंस 1 के और बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस हो रहे हैं, इंग्लिश के लाइव लेक्चर्स रेगुलर हो रहे हैं, मैथ्स के लाइव लेक्चर्स रेगुलर हो रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं ये शूट कर रहा हूँ तब भी लाइव लेक्चर चालू है हमारे चैनल पर, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो प्लीज यूज़ दैट। अभी तो नेक्स्ट 10 डेज का टाइम टेबल भी डाला है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो जो टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है हमारा, ठीक है यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, यहाँ तक तो वीडियो बना तो 2 मिनट और। आपको एक तो सबसे पहले एप्लीकेशन पे टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आपको 1 रुपये में मिल जाएगा और वेबसाइट पे फ्री में मिल जाएगा, और बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं, आप ये जरूर कर लेना। एक बात हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि आप हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, कि हर चीज़ का वीडियो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि नीलिमा मैम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज सोशल स्टडी का बना दिया, वो आपको मिल जाएगा। तीसरा ये जो डेली शेड्यूल वाला जो प्लानर है आपके लिए बनाया गया है, ये भी आपको मिल जाएगा, इसका आपको प्रिंट निकाल लेना और उसमें अपना डेली ट्रैक करना कि आपको आपका टाइम का पता चले, तो डेली शेड्यूल वाला ये मिल जाएगा। दूसरा बच्चे क्या होता है PYQ ढूंढते रहते हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पे PYQ सारे मिल जाएंगे। पांचवा सोशल स्टडी का और साइंस का हमने पूरा वन शॉट वीडियो बनाया जो आपको एग्जाम टाइम में काम आएगा, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। कुल मिला के ना डिस्क्रिप्शन को अच्छे से देखना, उस पर जो जो जरूरी होता है हर वीडियो के नीचे वो सारी चीजें डाली जाती है, तो गो थ्रू द डिस्क्रिप्शन वेरी केयरफुली। अब तक लाइक नहीं किया तो हिट द लाइक बटन, बाकी मेरे पास और अच्छे पेपर्स आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, क्या बोलूं। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करना। हैप्पी लर्निंग।